वैक्सीन लगाने के बाद बन रही मैग्नेटिक मैन, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट या कुछ और, शरीर में चुंबक की ताकत कहां से आई? देश भर में इन दिनों कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर सामने आ रही खबरें हैरान करने के साथ साथ डरावनी भी है। लोगों का दावा है कि वैक्सीन लगाने के बाद उनके शरीर में मैग्नेटिक पावर आ गई है, जिससे लोहे की वस्तुओं और स्टील के बर्तन उनके शरीर में चिपकने लगे हैं। नासिक से इस तरह का पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद ऐसे केस बढ़ते ही जा रहे हैं। नासिक के बाद राजस्थान की कोटा से भी शुक्रवार को ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक शख्स के शरीर में सिक्के और कैंची तक चिपक रही थी और इसे वैक्सीन का साइड इफेक्ट बताया गया था। वहीं अब बीकानेर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इस शख्स का दावा है कि वैक्सीन लगाने के बाद इसका शरीर चुंबक की तरह काम करने लगा है। बीकानेर से हरि नारायण स्वामी ने वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली है। अब उनका कहना है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के बाद से ही उनके शरीर में बदलाव शुरू हो गया है। हमारे मतलब 4-5 दिन से आ रहा है। क्या कारण मानते हैं इसका? हमारी दो मैंने वैक्सीन लगाई थी, फर्स्ट लगाई थी 1 अप्रैल को और सेकंड लगाई थी 2 मई को। उसके बाद में मुझे ये भूख ज्यादा लगने लगी, नींद मेरी खत्म हो गई, रात को नींद आती नहीं है और अभी 3-4 दिन से मुझे शरीर में कुछ ज्यादा ही बदलाव आ रहा है। मैं सुबह डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने मुझे मेरा फोन नंबर और मेरा एड्रेस देके मुझे भेज दिया कि आप घर चले जाओ, आपके पास फोन आएगा, डॉक्टर से मिल लेना। अभी तक मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है इस बात का और अभी 3-4 दिन से ज्यादा ही बदलाव आ रहा है। ये मेरे शरीर पे कल के 3-4 दिन से ये चिपक रहे हैं, लोहे का सामान और स्टील का सामान मेरे शरीर पे चिपक रहा है, जैसे चम्मच हुआ, थाली हुआ, वासर हुए, ये चिपक रहे हैं। मैंने इतना ही चिपकाया था और ज्यादा प्रयोग किया नहीं था। डॉक्टर को बताया चिपका के? हाँ, डॉक्टर को मैंने वहाँ चिपका के बताया था तो डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई केस आया नहीं है और आएगा तो हमने कभी देखा नहीं है, तो हम आपके डॉक्टर आगे हम अपने सीनियर को बताएंगे और आपके पास डॉक्टर अपने आप आ जाएगा। डॉक्टरों ने भी हरिनारायण स्वामी की समस्या पर हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन जब इस मामले को लेकर बीकानेर के कार्यवाहक CMHO से बात की गई तो उन्होंने ये मानने से भी इनकार कर दिया कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं। इतना ही नहीं, CMHO का कहना है कि ये महज इत्तेफाक है। नहीं, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ये महज इत्तेफाक होगा या अन्य कोई कारण है। वैक्सीन से कोई मतलब नहीं है, वैक्सीन में कोई आयरन नहीं है ना है, ऐसी शरीर में ऐसा कोई स्कीम भी नहीं होती। आयरन होता है बॉडी पर, वो फैला होता है, चुंबक कभी पकड़ता नहीं है। तो ये भ्रांति है, मिथ्या है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, तथ्यहीन बात है। मगर ये महज इत्तेफाक है तो कुछ समय के लिए होता या फिर कुछ घंटों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं। कोटा, नासिक, बीकानेर जिस भी शहर से इस तरह की खबरें सामने आई हैं, वहाँ लोगों को काफी दिनों से इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। खैर, डॉक्टर इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि किसी भी शख्स में मैग्नेटिक पावर इस तरह से आ सकती है, लेकिन सच सबके सामने है, तस्वीरें सबके सामने है। अब अगर ये कोई मैग्नेटिक पावर या साइड इफेक्ट नहीं है तो ये क्या है? इन तस्वीरों को देखने के बाद वो तमाम सवाल हर किसी के जहन में उठ रहे हैं, जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये महज इत्तेफाक नहीं है। बहरहाल, डॉक्टर इसे किसी भी तरह से वैक्सीन का साइड इफेक्ट मानने को तैयार नहीं है, जो जायज भी है, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि वैक्सीन लगने के बाद ही लोगों में इस तरह का चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न हुआ है। ऐसी खबरों के सामने आने के बाद जाहिर है कि लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलेगा, लेकिन जब तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं होती, तब तक कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद प्रताप आचार्य की रिपोर्ट।